आधा घंटा पहले वॉशरूम चाहिए, फिर नहीं जो गरीब होता है मेरी तरह 5 मिनट में कर लेता है। कभी उस कोने से कोई गाली दे रहा है, कभी बगल से कोई चिल्ला रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज छोटी होली, सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा ऑफ है और पंकज का भी बाई चांस ऑफ है। आज वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर, मतलब बहुत टाइम बाद हमको साथ में ऑफ मिल रहा है। सोच रही हूँ कहीं हमने प्लान किया है कि बाहर जाते हैं, मूवी शूवी देखते हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है लास्ट कब मूवी देखी थी। लॉकडाउन से पहले, मतलब 2 साल पहले कभी देखी थी थिएटर में, बी स्पेसिफिक। आज ऐसे ही प्लान बन गया कि चलो आज छुट्टी है तो थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, फॉर अ चेंज मूवी वगैरह देखते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और कल है बड़ी होली, तो कल थोड़ा सा प्लान है जाने का, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। वैसे मेरे सारे ब्लॉग ऐसे ही मॉर्निंग में ही शुरू होते हैं, मैं सोच रही थी बाद में शुरू करूँगी जब हम जाएंगे, बट मुझे लगता है शाम हो जाएगी, लेट हो जाएगा। सो ऐसे मैं सुबह बैठी थी तो मेरा एक पार्सल आया एज यूजुअल। सो आई गॉट अ न्यू स्किन केयर विच इज़ राइस सेरेमाइड फ्रॉम पे शॉप। ये इमर्जन है और दूसरा इसका टोनर है। एक्चुअली मैंने पहले छोटा वर्जन लिया था, ट्रायल किट टाइप से बोलते हैं उसको, ट्रैवल किट, वो मैंने ट्राई किया एंड आई जस्ट लव पे शॉप दिस प्रोडक्ट स्पेशली। वैसे तो मुझे सारे उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, बट ये दो मुझे इतने अच्छे लगे, स्पेशली टोनर। सो या आई गॉट दिस। मेड आने वाली है तो कुछ बनाएगी खाने को। अभी मैं जाती हूँ शार लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार होती हूँ। जब तक मेड वेड अपना काम करेगी तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी। तो मूवी कौन सी देखूँगी ये मैं बताती हूँ पंकज के साथ, क्योंकि वो चॉइस पंकज की है। तो सी यू आफ्टर सम टाइम, बाय। जीआईपी। सो पंकज बताएगा कि हम कौन से मूवी देखने जा रहे हैं। एज पर पंकज एक्सपर्ट नो रिकमेंडेशन हम जा रहे हैं। मुझे तो गंगूबाई देखनी थी, अब तुम बताओ तुम कौन सी मूवी देखने जा रहे हो। गंगूबाई पुरानी होगी, महीना से पुरानी हो गई, जब नई थी तब भी कौन सा तुम चले गए। अभी एक वीक के अंदर रिलीज हो जाएगी, देख लेना ओटीटी पे, तब देख लेना। गंगूबाई में आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट इज माय फेवरेट, दैट्स व्हाई। तो अनुपम खेर भी तो तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हारा फेवरेट होगा अनुपम खेर, तुम्हारे जैसे ही है बाल भी। मेरे बहुत ज्यादा है। कुछ सालों बाद हो जाएंगे ऐसे। कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं और पहले से ही मतलब तो इतना रिव्यू सुन लिया लोगों से, इतना तो थोड़ा सा हो रहा है कि भाई सब माहौल वगैरह सही रहे वहाँ पे, तो अच्छा है। चलो थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा क्या, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है कि वहाँ जाके मैं बस रोने ही वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कैसी होती है मूवी। मैंने सोचा था जल्दी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी, ज़्यादा भी नहीं, बट नहीं पंकज, जब मैं 7 बजे की बुक करी थी पंकज इतना लेट, और उठना पंकज को 5 बजे होता है और क्या 4 बजे तक तो पंकज अपनी अंगड़ाई लेते रहते हैं लेट लेट के। उठे बिल्कुल ऐसे महारानियों की तरह, महाराजा भी हो सकते हैं लेकिन ये महारानी वाली हरकतें होती हैं। सब्जी लेने निकल सब्जी लेने मैं भेजती हूँ, भेजे तुम खाएगा महाराज में। कौन सा महाराज सब्जी तरकारी लेने जाते हैं, आधा घंटा पहले वॉशरूम चाहिए फिर 15 मिनट। ये नहीं और नेचुरल चीज है भैया, बंदा जाएगा नहीं, ये तो हर गरीब से बड़े आदमी सबके काम होते हैं। नहीं जो गरीब होता है मेरी तरह 5 मिनट में कर लेता है जो करता है। आधे घंटे उनको बहुत टाइम होता है, वो ही लगाते हैं आधा घंटा। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं आज होली कल दुल्हन दी। हमारी पहाड़ियों में होता नहीं है, अपने घर में कभी नहीं देखा करते हुए, तो हम भी मैं भी नहीं करती,
पंकज ने कभी बोला नहीं करने को, तो मैं बाद में भी नहीं कर रही हूँ. तो वो फील जो आता है एक्चुअली ना कल ही आता है. हालांकि इतना हम खेलने वाले नहीं है ना पंकज ना मैं, दोनों ही हम ऐसे ही हैं कि गुलाल उलाल लगा लिया. तो लेट्स सी कल जाते हैं फैमिली से, एटलीस्ट मिलेंगे. होली नहीं भी खेलो तो घर पे रहना एक्चुअली फेस्टिवल में अच्छा नहीं लगता. फैमिली से मिलो और अच्छा वही मतलब वही एक्चुअली मेन होता है जो भी त्यौहार होते हैं कि अपना गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली के साथ. अदरवाइज तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और चल रहा है काम. तो बस आजकल मुझे लगता है फेस्टिवल्स का वही एक महत्व है. तो कल सुबह मिलते हैं बड़ी होली वाले दिन. नहीं अभी हाँ, अभी तो हमें मूवी भी देखनी है ना. अभी हम थिएटर में मिलेंगे आपको. ठीक है ठीक है ठीक है बाय. एक्चुअली मेन होली तो आज ही है, बट क्या बोलूँ, ड्यू टू सम रीज़न हम कहीं नहीं गए. आज का प्लान कैंसिल ही हो गया. एक्चुअली व्हाट हैपन्ड वाज सुबह सुबह डीजे चालू हो गया बाहर कॉलोनी में और मेरी आँख खुल गई. और उसके बाद आई ट्राइड वेरी हार्ड टू स्लीप अगेन बट आई कुडंट. सो मैं उठी, कुछ खाया पिया. देन वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी और पंकज की दोनों की फ्रेंड है ऑफिस की, तो शी केम एंड वही एक दो घंटे बोली गुलाल उलाल लगाया. एंड देन आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आजकल मेरी वैसे भी तबीयत सही नहीं चल रही है. अपने किसी दूसरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी, मेरा कुछ मेडिकल इशू चल रहे हैं. तो उसकी वजह से आई थॉट कि लेट्स नॉट गो एनी वेयर, बिकॉज जाएंगे आएंगे और पंकज की शिफ्ट भी थी शाम को. सो वी थॉट कि आज कैंसिल ही कर देते हैं, पहले हम नींद लेते हैं. मुझे भी ज़रूरत थी और ऑब्वियसली पंकज को भी ज़रूरत थी. बस थोड़ी बहुत होली तो हमने खेल ही ली थी, फॉर्मेलिटी तो कर ही ली थी अपने फ्रेंड के साथ, पिक्स वगैरह भी खींच ली थी. तो वैसे भी हम बहुत कुछ एकदम वंडर सा भी नहीं करते हैं, ऐसे फैमिली के साथ ही जाते हैं. तो इस बार नहीं गए, दैट्स ओके. ऐसा कुछ नहीं था, हम कभी भी जा सकते हैं. क्योंकि कल मूवी देख कर आए, उसके बाद तो मैंने व्लॉग ही नहीं किया. सो मूवी वॉज गुड, एक्चुअली वेरी गुड. और बहुत ज़्यादा हाइप मूवी थी और इसलिए मतलब थोड़ा था भी मन की देखना ही देखना है. बट एक रिव्यू कह लो, एक माई पर्सनल ओपिनियन कह लो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. क्योंकि थिएटर में क्या हुआ ना, कभी उस कोने से कोई गाली दे रहा है, कभी बगल से कोई चिल्ला रहा है. सो इट वॉज लाइक वेरी, मेरे लिए बहुत थ्रेटनिंग सा कह लो, या फिर मुझे एक्चुअली डर लग गया था. क्योंकि हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था और पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट मूवी. इवन लेडीज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आदमी थे, पूरी पूरी फैमिली आई हुई थी. पॉजिटिवली देखो तो इट वॉज गुड, बट नेगेटिव साइड भी मुझे दिखी कल एंड विच वॉज नॉट गुड. मतलब मैंने और हॉलीवुड मूवी भी देखी है ऐसी जहाँ पे बहुत नेगेटिव दिखाया हुआ है. एंड कुछ सीन तो ऐसे थे जो मतलब देखने वाले भी नहीं थे, मतलब मैंने नहीं देखे. आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दिस. इट्स फाइन कि आप इंडियन हिस्ट्री दिखा रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट व्हाट आई फेल्ट कि हमारे जो इंडियन
जो दिमाग है ना लोगों का, दे सी ओनली नेगेटिव साइड और वही कैच करते हैं और दे गेट प्रोवोक्ड. सो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि बहुत सी जनता जो है मैक्सिमम एजुकेटेड नहीं है, सो धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, दे गेट प्रोवोक्ड. सो वो चीज़ मुझे एक नेगेटिव लगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा नहीं होता और ऑब्वियसली जिनके साथ हुआ है उनको तो और ज़्यादा नेगेटिव लग रहा होगा. बट मैं नहीं चाहूँगी, मतलब इफ कोई मुझसे पूछे कि ऐसी दोबारा कुछ मूवी बने और इतनी इंटेंस, इतनी ब्लैक, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी वो, तो उतना इंटेंस दिखाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी. आप दिखा सकते हो क्या हुआ क्या नहीं, बट उतना डीप अगर आप दिखाओगे मतलब किसी को भी गुस्सा आ जाएगा. तो या बस इतना ही था. बाकी ठीक है, आप जाओ देखो, पता चलता है क्या क्या हुआ, क्योंकि हम आज का यूथ नहीं जानता कि पास्ट में क्या हुआ, और उस मूवी में भी यही दिखा रखा है. तो उस चीज़ के लिए इट्स फाइन, देखो समझो बस उतना ठीक है, बट डोंट गेट प्रोवोक्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिविटी विच वी सॉ इन दिस मूवी. सो या नहीं है मूवी का. सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर. सो या दिस वॉज माई होली, नॉर्मल सी है, ठीक है. So if you haven't subscribed to my channel, go and subscribe to it, like this video if you like it, and then I will see you in my next one. Till then, ye gujiya maine aadhi kha li hai. So happy Holi to all of you. Bye. By the way, mujhe gujiya banani thi aur maine nahi banayi, but theek hai, bahar wali bhi achhi hai. Bye.